नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिकेट न्यूज चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मोहम्मद शमी भारत का एक बहुत ही बड़ा गेंदबाज है, जिसने वनडे वर्ल्ड कप में टोटल 24 विकेट लिए थे और पूरे विश्व में अपने नाम की सनसनी फैला दी थी। मोहम्मद शमी का वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन होने के कारण उसको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मोहम्मद शमी नवम्बर में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच में खेलने के बाद से कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे और उनकी वापसी क्यों नहीं हो रही? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मोहम्मद शमी जो अभी वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर उसके बाएं पैर के टखने के अंदर चोट आ गई थी और उसके बाद भी वह इंजेक्शन लगवा कर वर्ल्ड कप में अपने दर्द को सहन करता हुआ खेला था। पर अब उसके टखने की चोट गंभीर होने के कारण वह विशेष इंजेक्शन लगवाने के लिए लंदन में जनवरी के पहले सप्ताह में गया था, पर उसके विशेष इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए बीसीसीआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मोहम्मद शमी के दर्द का निवारण सिर्फ सर्जरी है। अब मोहम्मद शमी अपने पैर के टखने की चोट को सही कराने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, इसलिए वह अगले महीने में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग से भी बाहर हो गए हैं और इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अब जो सर्जरी होगी उसमें उसको रिकवरी करने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए वह इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं।